नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भवन उपविधि यानी बिल्डिंग बायलॉज। हर राज्यों के अपने अलग अलग बिल्डिंग बायलॉज होते हैं और देश में बिल्डिंग बायलॉज NBC नेशनल बिल्डिंग कोड चलता है। पुरानी वीडियो में हमने बताया था कि बायलॉज कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे हमें मिलते हैं। हर राज्यों की वेबसाइट होती है अलग अलग, उन पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे आपके मास्टर प्लान और बायलॉज। अब इन्हें यूज कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। कवर पेज है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2018, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। इंडेक्स अध्याय 1 संक्षिप्त नाम एवं प्रसार, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसका गजट कब हुआ है, इसका प्रसार कैसे है, क्या है सन्नाम इनका, क्या है परिभाषा है उपविधियों की, प्रयोजकता मतलब इसको कैसे यूज करना है। अध्याय 2 में अनुज्ञा हेतु आवेदन, मतलब सबमिशन ड्राइंग जब हम सबमिट करते हैं तो उसको कैसे आवेदन करना रहता है, इसमें क्या क्या दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने होते हैं। विकास अनुज्ञा डेवलपमेंट चार्ज जो शुल्क जमा होता है, क्या जमा होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। विकास अनुज्ञा हेतु अनुबंध शर्तें क्या क्या हैं। विकास अनुज्ञा पत्र की वैधता, मतलब जो जैसे आपने मानचित्र स्वीकृत करा लिया है तो वो कब तक चलेगा आपका, मतलब कि कब तक का के लिए वो एक्सपायर होगा। विकास के प्रारंभ करने की सूची, मतलब डेवलपमेंट आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं तो उसकी सूचना आपको देना पड़ता है, तो ये और उसके बाद जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो ये सब इस अध्याय 2 में दिया है। उसके बाद खुले स्थान जोलन डेवलपमेंट प्लान एवं लेआउट प्लान, खुले स्थान के मानक और लैंडस्केप प्लान, जो मास्टर प्लान है हमारा उसमें आरक्षित जगहें की गई है, खुले स्थान है मध्यम वर्ग के लिए है, निम्न घनत्व के लिए है, तो ये वहाँ से आपको मिलेगा। सड़कें पाथवे साइकिल ट्रैक आवासीय भू उपयोग अनावासीय भू उपयोग, मतलब इनमें सड़कों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, इस बायलॉज के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। उसकी लेआउट आप बनाते हैं तो लेआउट में भी इसमें दी गई है कि आपको कितनी दूरी जाने के लिए कितना सड़क का मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए, सब डिटेल आपको इसमें मिलेगी। निर्मित क्षेत्रों में रेजिडेंशियल निर्माण के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो अपने अपने स्थान की आप अपने अपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पढ़ के आप सबमिशन ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। जैसे ये अलग अलग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए दिया है, रो हाउसेस के लिए दिया है, होटल निर्माण मतलब होटल में क्या बायलॉज लगेंगे, नर्सिंग होम फार्म हाउस पेट्रोल पंप LPG गैस, तो हम धीरे धीरे करके इसको देखेंगे अभी। मैरिज हाउस कोल्ड स्टोर गेस्ट हाउस सबके लिए दिया गया है इसमें। परिभाषा है विकास, जो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की गई है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे पहले अध्याय में आपको ये सब मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो होती है, किसी भी बिल्डिंग बनाने के पहले, ड्राइंग करने के पहले उसका सेटबैक देखा जाता है और FAR देखा जाता है, परसेंटेज ऑफ कवर्ड एरिया। जैसे ये निर्मित क्षेत्र, तो इसको हम कैसे देखते हैं, आपके शहर का मास्टर प्लान होगा, सबसे पहले आप मास्टर प्लान खोलेंगे। ये मेरे शहर का मास्टर प्लान है ललितपुर का, तो इसमें प्रस्तावित भू उपयोग आवासीय ये है निर्मित क्षेत्र, उच्च घनत्व, उच्च घनत्व हमें कहाँ मास्टर प्लान में दिख रहा है, ये जो लो डेंसिटी है
ये उच्च गंध है, तो मतलब ये निर्मित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे नियम क्या बोलता है, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा जब हम बनाते हैं, सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको किस प्रकार से बनाना है। विद्यमान सड़क की चौड़ाई 4 मीटर से कम होने पर भूखंड का अग्रभाग सड़क के मध्य से रेखा से 2 मीटर तक की दूरी पर होगा, एवं इसके उपरांत फ्रंट सेटबैक 2.5.1.3 में दी गई तालिका के अनुसार छोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि निम्न घनत्व जो क्षेत्र है, लो डेंसिटी क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो सड़क होती है उसकी चौड़ाई मिनिमम 4 मीटर होनी चाहिए। यदि 4 मीटर से कम है तो आपको अपनी भूमि में से सेंटर लाइन से 2 मीटर जगह छोड़नी पड़ेगी, मतलब आपको अपनी जगह से देनी पड़ेगी उस भूमि की चौड़ाई के करने के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन आवागमन इजीली बना रहे। तो इसका बायलॉज है भू अक्षदान, मतलब अगर आपका प्लॉट साइज है 100 वर्ग मीटर तक, तो आप टोटल एरिया का 75% यूज कर सकते हैं कवर्ड करने के लिए, और 2.0 FAR रहेगा, जिसमें फ्रंट सेटबैक जो है आपको 1.2 छोड़ना पड़ेगा, 1.2 मीटर आपको फ्रंट से सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। और एवं बेसमेंट, यहाँ आप बेसमेंट नहीं बना सकते, बेसमेंट अलाउड नहीं है। तो ये बायलॉज यहाँ से देखा जाता है कि आप किस प्रकार से निर्माण, आप एज ए इंजीनियर आपको एनी पॉइंट को फॉलो करते हुए बायलॉज बनाने के अकॉर्डिंग आपको सबमिशन ड्राइंग बनानी है। ये सारे पॉइंट पढ़ के आपको देखना पड़ता है। FAR हम कैसे देखते हैं, ये तो निम्न घनत्व में है, उसके अदरवाइज यदि है तो हम कैसे इसको ड्राइंग करेंगे, ये देखें। आवासीय क्षेत्र 50 स्क्वायर मीटर तक का अगर आपका प्लॉट साइज है, तो फ्रंट से 1 मीटर सेटबैक आपको छोड़ना है। यदि आपका 50 से 100 स्क्वायर मीटर तक का सेटबैक है, मतलब एरिया है, तो 1.5 मीटर फ्रंट से 1.5 मीटर, बैक से 1.5 मीटर आपको छोड़ना है। यदि आपका 150 स्क्वायर मीटर से 300 स्क्वायर मीटर तक का एरिया है, तो फ्रंट से 3 मीटर और बैक से 3 मीटर, इसी प्रकार से इसके अकॉर्डिंग आपको सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे व्यवसाय अगर आप बना रहे हैं तो आपने को पहले मास्टर प्लान में चेक करना है कि व्यावसायिक क्षेत्र कौन सा है। यदि आपकी लोकेशन उस क्षेत्र में आ रही है, तो यहाँ पर आप व्यावसायिक प्रस्ताव दे सकते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय में 200 स्क्वायर मीटर तक का अगर आपका एरिया है, तो 3 मीटर फ्रंट 3 मीटर बैक आपको सेटबैक छोड़ना है। शिक्षा संस्था को छोड़कर संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधा के लिए ये है उनका सेटबैक का नियम। अब ये तो सेटबैक हो गया कि हमें कितनी जगह छोड़नी है, फ्रंट से, बैक से, रेयर से और साइड से। अब हम आते हैं टोटल कवर्ड एरिया, मतलब हम कितना एरिए पे कवर कर सकते हैं। यदि आपका आवासीय है निर्मित क्षेत्र, मतलब लो डेंसिटी, तो 100 वर्ग मीटर तक के एरिया में 75% आप कवर कर सकते हो। इसको कैसे देखते हैं, मैंने अपना एक्सेल पे स्प्रेडशीट बना के रखी हुई है, मैप अप टू इंचार्ज। मान के चलो मेरा 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, मेरा तो 100 स्क्वायर मीटर एरिया पे यदि हमारा निम्न घनत्व में है, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ मेरा निर्मित क्षेत्र में है 100 वर्ग मीटर तक का एरिया है 100, तो 75% भूक्षदान, मतलब टोटल कवर्ड कर सकता हूँ मेरी, और 2 का FAR है, तो मैं यहाँ डालूँगा 75% कवर्ड एरिया और 2 का FAR। तो 100 स्क्वायर मीटर से मैं मात्र 75 स्क्वायर मीटर पे ही कवर्ड कर सकता हूँ, बाकी का रिमेनिंग मुझे छोड़ना पड़ेगा या वो सेटबैक में कब चले जाएंगे। तो अब इसका FAR कैसे मेंटेन करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 75 कवर कर सकते हैं, तो 75 स्क्वायर मीटर हमने ग्राउंड फ्लोर पे कवर किया, 75 फर्स्ट पे,
तो टोटल ग्राउंड और फर्स्ट पे कवर्ड एरिया हो गया 150 स्क्वायर मीटर और FAR है 1.5 का। हम दो FAR तक जा सकते हैं, मतलब तीसरी मंजिल पे यदि हम 755 स्क्वायर मीटर बनाएंगे तो हमारा FAR 2.25 हो रहा है, टोटल कवर्ड एरिया 225 स्क्वायर मीटर हो रहा है। तो मतलब यहाँ हम यदि इसको कम करें 50, तो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हम 75 स्क्वायर मीटर कवर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट पे 75 और सेकंड पे 50 स्क्वायर मीटर, मतलब टोटल 200 स्क्वायर मीटर हम कवर कर सकते हैं। ऊंचाई 2.9 देते हैं हम, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये तो हो गया टोटल कवर्ड एरिया। अब इसके साथ अब इसकी हमारे इसमें बायलॉज में ही ये हो गया कि हम यहाँ पे 3 मंजिल तक जा सकते हैं, ग्राउंड फर्स्ट G+2। अब हमें अगर G+3 जाना है, मान के चलो हमें 3 मंजिल जाना है, तो हमें यही मैनेज करना पड़ेगा। तो ग्राउंड हमने 75 कवर किया है, फर्स्ट हम 75 कवर करेंगे, मतलब यदि हम 50-50 अगर पूरा करें, अगर 50 स्क्वायर मीटर हमें ग्राउंड पे कवर करना पड़ेगा, 50 फर्स्ट पे, 50 सेकंड पे, 50 थर्ड पे, तो हम 4 मंजिल तक जा सकते हैं 150 स्क्वायर मीटर 2 FAR के अकॉर्डिंग। तो ये हम यहाँ से बायलॉज से इसको देखते हैं, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, तब जाके हमारा सबमिशन ड्राइंग या हम अपना मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। एज ए रजिस्टर्ड इंजीनियर आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो सब हर प्रकार के निर्माण के लिए बायलॉज और नियम दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अब इसके बाद आते हैं ये तो हो गया आवासीय का, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल में हम आते हैं तो उनके अलग नियम होते हैं। जैसे डेयरी फार्म आपको बनाना है, डेयरी फार्म का लेआउट नक्शा पास करना है आपको, तो उसके नियम अलग हैं। यदि उसमें आपको बताना पड़ेगा मिनिमम जो एरिया है आपका लैंड का वो होना चाहिए 2000 स्क्वायर मीटर, पशुओं की संख्या के आधार पे FAR निम्न तालिका, मतलब जो FAR कवर्ड एरिया जो आप कर सकते हो वो आपके जो जानवर आपको रखने हैं उनकी संख्या के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस प्रकार से हम बायलॉज देखते हैं और अपनी ड्राइंग बनाते हैं सबमिशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। Thank you.